नमस्कार, सत्यमेव न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मानसी आचार्य। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ, लेकिन सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। नौखा पालिका प्रशासन को सौंपे एक साथ 200 आवेदन, रैली के रूप में नौखा पालिका पहुंचे आरटीआई कार्यकर्ता। प्रतापगढ़ में 15 वर्षीय नाबालिग को जीजा ही निकला भेड़िया, नहीं माने हैवानियत के प्यासे दरिंदे। झुंझुनू में महिला की मौत पर हंगामा, बच्चेदानी का ऑपरेशन हुआ था महिला का। झुंझुनू में 19 स्वयं सहायता समूह को बांटे 1,19,000 के चेक, सांसद संतोष अहलावत व कलेक्टर दिनेश यादव ने बांटे चेक। और अब खबरें विस्तार से। छोटी सादड़ी में इंसान इंसानियत को शर्मसार कर देने और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। क्षेत्र के गोल मगरी गांव में 22 अप्रैल को दोपहर 1 बजे घर से अपने खेत जा रही एक नाबालिग लड़की को उसके रिश्ते में लगने वाले जीजा व उसका साथी मोटरसाइकिल पर बिठाकर अगवा कर ली गए तथा चित्तौड़गढ़ के बड़ी सादड़ी इलाके में भुरकिया गांव के जंगल में पिस्टल की नोक पर उसके साथ मारपीट करते हुए 3 जनों ने बारी बारी से गैंगरेप किया। पीड़िता को 25 अप्रैल की रात 3 बजे मौका मिला तो वह जैसे तैसे भागकर अपने गांव गोलमगरी पहुंची तथा पूरी आपबीती अपने परिजनों को बताई। पीड़िता के गोलमगरी गांव पहुंचने की भनक आरोपियों को लगी तो वे भी गोलमगरी गांव पहुंच गए तथा पीड़िता को थाना में रिपोर्ट नहीं दर्ज कराने के लिए धमकाया, लेकिन उसने हिम्मत और हौसला दिखाया और उसके माता पिता नहीं होते हुए भी उसने 28 अप्रैल को अपने परिजनों व रिश्तेदारों के साथ पुलिस थाने पहुंची और आरोपियों को विरुद्ध ले जाने और बारी बारी से दुष्कर्म करने का मुकदमा दर्ज कराया। वहीं घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने भी तुरंत एक्शन लिया है। डीवाईएसपी ऋषिकेश मीणा पीड़िता को लेकर उसके साथ जिस जगह पर बारी बारी से गैंगरेप हुआ वहां पहुंचे तथा घटनास्थल का मौका मुआयना कर पीड़िता का मेडिकल कराया। डीवाईएसपी ऋषिकेश मीणा ने बताया कि पीड़िता के 164 के बयान होने बाकी हैं। इस मामले में पुलिस कार्यवाही कर रही है और जल्द ही गैंगरेप आरोपी पुलिस के शिकंजे में होंगी। गत दिनों ही झुंझुनू जिला परिषद की बैठक में चिकित्सा विभाग ने दावा किया था कि जिले के सरकारी और निजी अस्पतालों से निकलने वाले बायो वेस्ट हर दिन उठाया जाता है और उसका नियमों के अनुसार निस्तारण भी किया जाता है, लेकिन मंगलवार को इस दावे की पोल तब खुल गई जब जिला परिषद सदस्य दिनेश सूडा किसी काम से बीड़ी के अस्पताल गए हुए थे। सूडा ने वहां पर देखा कि बायो वेस्ट हवा में उड़ रहा था और ढेर इतना लगा था कि मानो कई दिनों से यह वेस्ट उठाया नहीं गया हो, जिस पर सुंडा ने तुरंत ही मौके पर पीएमओ डॉक्टर शीशराम गोठवाल को बुलाया और हकीकत से रूबरू करवाया, जिसके बाद डॉक्टर गोठवाल ने भी इसे लापरवाही माना और आवश्यक कार्यवाही के लिए उच्च अधिकारियों को लिखने को कहा। सुंडा ने इस मौके पर कहा कि बायोवेस्ट को लेकर इस तरह की लापरवाही किसी भी बड़ी बीमारी को न्योता दे सकती है, वो भी तब जब अस्पताल के पास ही इस तरह से लापरवाही बढ़ती जा रही हो। उन्होंने संक्रामक रोग फैलने की आशंका भी जाहिर की। वो बिखरा पड़ा है, उसके खिलाफ कार्रवाई करने के वो लाएंगे, प्रसंज्ञान में लाएंगे और अनियमित आदेश जांच करा के उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। टीपी हॉस्पिटल सीएमएचओ के उसमें आता है टेरिटरी में, तो वो सफाई की व्यवस्था वो रखेंगे उसका। झालावाड़ जिले के डक कस्बे में करंट लगने से व्यक्ति की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार खेत पर कृषि कार्य करते हुए बड़ा हादसा हुआ। मृतक फूलचंद खटीक डग कस्बा निवासी खेत पर कृषि कार्य कर रहे थे, जिसके चलते उन्हें करंट लग गया। तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। डग पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया है। झुंझुनू के डुमरा गांव की बेटी और बिसाऊ के समीप हमीरवास गांव की विवाहिता 37 वर्षीय संतोष पत्नी उम्मेद सिंह की इलाज के दौरान मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक संतोष देवी का 20 अप्रैल को जिला मुख्यालय के डूकिया अस्पताल में बच्चेदानी का ऑपरेशन होना था। इस ऑपरेशन के 2-3 दिन बाद संतोष देवी की हालत खराब होने पर उसे जयपुर रेफर किया गया। यहां पर चिकित्सकों ने परिजनों को बताया कि बच्चेदानी का ऑपरेशन करते वक्त आंत को भी काट दिया गया है, जिसके कारण शरीर में इन्फेक्शन हो गया है। जयपुर में करीब 5 से 7 दिनों तक इलाज चलने के बाद संतोष देवी की मंगलवार सुबह जयपुर में मौत हो गई।
जिसके बाद आक्रोशित परिजनों के साथ ग्रामीण कलेक्टर बंगले के सामने पहुंच गए। बड़ी संख्या में ग्रामीणों के पहुंचने के चलते पुलिस जाप्ता भी पहुंचा। यहां पर शव को साथ लेकर परिजनों ने प्रदर्शन किया, जिसके बाद समझाइश कर शव को पोस्टमार्टम के लिए बीडी के अस्पताल भेजा गया, लेकिन परिजन शव को लेकर डूके अस्पताल पहुंच गए, जहां पर जिला परिषद सदस्य दिनेश सुंडा के नेतृत्व में ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। इस मौके पर सुंडा ने दोषियों पर कार्यवाही की मांग की है। सुंडा ने इस मौके पर कहा कि भामाशाह बीमा योजना के तहत भारी भरकम बिल बनाकर रुपए उठाते हैं। में आज के दिन जो सबसे बड़ा माफिया डेवलप हो रहा है वो हॉस्पिटल माफिया डेवलप हो रहा है, और आप लोग देख रहे हो कि आए दिन किसी न किसी मरीज की हॉस्पिटल में डेथ होती रहती है, चाहे वो धनखड़ का हॉस्पिटल हो, चाहे पिछले दिनों एक आपने देखा है कि एक प्रसूता की मौत हुई थी इसी सुमन काजला हॉस्पिटल में, इसी तरीके आज ढूकिया हॉस्पिटल में सुबह से परिजन बैठे हैं जिनका आरोप है कि जिस चीज का उन्होंने ऑपरेशन बताया था वो न करके दूसरी जगह से उनकी सर्जरी कर दी गई, जिससे इन्फेक्शन होने की वजह से उस महिला की मौत हो गई। तो इस प्रकार के बार बार आरोप लग रहे हैं, और जिला प्रशासन को मैं खुद जिला परिषद की मीटिंगों में इन चीजों से अवगत करा चुका, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। साथ ही मैंने इस मीटिंग में भी अवगत कराया था कि जो ये भामाशाह कार्ड योजना है जिसमें आसानी से इनको पैसा मिल जाता है तो मरीज को ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती है, तो भी बिना संसाधनों के भी ये लोग केवल बिल बनाने के लिए अपना पैसा उठाने के लिए और ऐसे पेशेंटों की सर्जरी कर देते हैं जिनसे इन्फेक्शन होने की वजह से, क्यों पूर्ण संसाधन इनके पास हॉस्पिटलों में ओटी में है नहीं, जिससे इन्फेक्शन फैल जाता है और मरीज की डेथ हो जाती है। ये तो कुछ केसेज हैं जो आप लोगों के सामने आते हैं, बाकी तो बेचारे गरीब आदमी रो धो के अंतिम संस्कार करके चुपचाप बैठ जाते हैं अपनी नियति मानते हुए। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि एक बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है झुंझुनू जिले में, और ऐसे हॉस्पिटल माफियाओं के खिलाफ अपने को बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। आज यहां भी देख रहे हो कि अपने यहां सीतसर रोड पे अणगास रोड पे ढूकिया हॉस्पिटल में खड़े हैं, यहां भी परिजनों का यही आरोप है कि इस प्रसूता की भी गलत ऑपरेशन करने से मौत हुई है, जिसकी हमें प्रशासन ने आश्वस्त किया था मेडिकल बोर्ड से जांच करवाएंगे, और अगर सत्य पाई जाती है तो उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई उसे दंडित करवाएंगे, अगर नहीं दंडित करेंगे तो हम इनके खिलाफ बड़ा आंदोलन करेंगे। ये हमीरवास गांव की कोई संतोष नाम की महिला है जो ढूकिया हॉस्पिटल में 19 तारीख को भर्ती हुई थी, उसके बाद ही इलाज के लिए इसको जयपुर रेफर किया गया था। जयपुर में ट्रीटमेंट के दौरान इसकी कल शाम को डेथ हो गई। अब परिजन ढूकिया हॉस्पिटल लापरवाही का आरोप लगा के रिपोर्ट पेश कर रहे हैं, जब भी जैसे भी स्थिति होगी उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई की जाएगी। संतोष नाम है बिको और उमेद सिंह की औरत है, ठीक है। बच्चादानी में कोई तकलीफ हुई वह ढूकिया हॉस्पिटल में दिखाने के लिए आया, ये बोला गया बिका मैं गांठ है ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो आने 20 तारीख ने एडमिट कराया, ठीक है। बाद में आगे बच्चादानी को ऑपरेशन करो, ऑपरेशन के द्वारा आके के गड़बड़ हुई बैठा, जयपुर वाला डॉक्टर तो है बता रहे हैं कहाँ की हाथ काट दी, जगह छोटी हाथ हुए वो डॉक्टर नहीं पता हुए हाथ काट दी, इस ऑपरेशन सही को नहीं हो फिर ए के करोगे आपके बेसेज के ऊपर, और जयपुर भी ने भेज दी हॉस्पिटल आपकी बेसेज पर भेजी, और बैठे भी को कोई इलाज को नहीं हो, ठीक है। बाद में भी किडनी खलास होगी कोई इन्फेक्शन होगी बता भी हिसाब से, और आज भी को यानी 24 तारीख ने रेफर करी और आज भी को डेथ होगी, खत्म होगी बात। मैं लोग आचार्य हैं कि जी मारो भामाशाह हो उम्मीद को भी भामाशाह मां से पीसा निकाल लिया, बटे माने भामाशाह की कोई सहायता को नहीं मिली, एकदम गरीब आदमी है उम्मीद, खुद लकवा को पेशेंट है, बिगन एक रुपये की यानी जोगाड़ को नहीं, गाँव में सू इन भी वो ब्याज पर या कहीं तरीके पैसा उठा के भी वो बड़े जयपुर इलाज कराए हो। तो मैं आ चाहूँ कि डॉक्टर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और ताकि आइंदे से भी कोई आदमी जैसा अगर ऑपरेशन करी तो पहले सोच समझ के करी है। पल पल बदलते देश और दुनिया की हर खबर अब सीधे आपके मोबाइल पर सत्यमेव न्यूज टीवी के जरिए। सत्यमेव न्यूज टीवी को अपने मोबाइल में देखने के लिए आप प्ले स्टोर पर जाकर टाइप करें सत्यमेव न्यूज और इंस्टॉल करें भारत का पहला मोबाइल टीवी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यमेव न्यूज, सुबह समाचार में आपका स्वागत है, और एहसास कीजिए लाइव बुलेटिन, लाइव शो सहित देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों का अपने मोबाइल पर। ओसियां क्षेत्र में दिन भर उमस और लू के थपेड़ों के बीच शाम में होने वाले मौसम ने एकदम पलटा मारा, और देखते ही देखते शाम 6 बजे क्षेत्र के कई गांव में तेज हवा के साथ बारिश का दौर शुरू हुआ, जो 15 मिनट तक चला। वहीं हल्की बारिश से जहां एक ओर मौसम खुशनुमा हो गया, वहीं दूसरी ओर लोगों को गर्मी व लू से निजात मिली। इस दौरान शाम के समय लोगों ने ठंडे मौसम का आनंद उठाया। बाड़ी में जमीन के बंटवारे को लेकर एक ही परिवार के दो पक्षों में झगड़ा होने और झगड़े में दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर धारदार हथियारों से हमला करने का मामला सामने आया है, जिसमें दोनों पक्षों के चार लोग घायल बताए गए हैं।
घायलों को सामान्य चिकित्सालय में सोमवार की रात लाया गया था, जिनको चिकित्सकों ने गंभीर हालत के चलते रेफर कर दिया। घटना को लेकर एक पक्ष की अब्दुल हमीद ने मामला दर्ज कराया है कि वह अपने सोमवार की 10 बजे वह अपने भाई अब्दुल रसीद खान के पास बैठा था कि उसी समय इंडिगो गाड़ी उनके यहाँ रुकी, जिसमें अब्दुल रऊफ, अब्दुल शकील, अब्दुल सुहेल के पिता अब्दुल हफीज निवासी आपागंज धान मिल ग्वालियर लश्कर आए व घर के अंदर घुस गए और मेरे भाई अब्दुल रशीद से जायदाद के बंटवारे को लेकर झगड़ा करने लगे। जब उसने झगड़ा रोकने की कोशिश की तो उन्होंने जान से मारने की नीयत से चाकुओं से उस पर हमला कर दिया। साथ ही बेटे हरीफ पर भी हमला कर दिया, जिसमें दोनों पिता पुत्र लहूलुहान हो गए, जिनका उपचार बाड़ी से रेफर होने के बाद धौलपुर में चल रहा है। सरमजरा में मंगलवार देर शाम फैक्ट्री से अपनी पत्नी को घर छोड़ने जा रहे बाइक चालक की घर पहुंचने से पूर्व बाइक का संतुलन खराब हो गया और बाइक पर सवार उसकी पत्नी बाइक से गिर गई और उसका सिर फट गया, जिसके चलते उसके सिर से खून की धार बहने लगी और लावलव निकल रहे खून को देख उसकी पत्नी बेसुध हो गई और सूचना पर पहुंचे परिजनों की सहायता से निजी साधन द्वारा घायल बेसुध अवस्था में पत्नी को बाड़ी उपखंड पर स्थित सामान्य चिकित्सालय लेकर पहुंचाया, जहां ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक मीत सिंह मीणा ने घायल बेसुध हालत में लाई गई महिला को भर्ती कर उपचार चालू किया। उपचार के बाद भी महिला की गंभीर हालत बनी होने के चलते ड्यूटी चिकित्सक ने जिला चिकित्सालय धौलपुर के लिए उसे रेफर कर दिया। झुंझुनू नगर परिषद में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत नगर परिषद के सभा भवन में 19 स्वयं सहायता समूहों को 1,19,000 रुपए के चेक सौंपे गए। मुख्य अतिथि सांसद संतोष अहलावत ने कहा कि पहले महिलाएं घर में चूल्हा चौका तक सीमित रहती थी, अब वो अपने हाथों के हुनर के बूते परिवार को आर्थिक सहयोग कर रही है। अब महिलाएं ग्रुप बनाकर स्वयं सहायता समूह के माध्यम से काम कर रही है। कलेक्टर दिनेश कुमार यादव ने कहा कि देश को सशक्त बनाने में महिलाओं की भागीदारी होती है और महिलाएं तब सशक्त होंगी जब वे आर्थिक रूप से सक्षम होंगी। सभापति सुदेश अहलावत ने कहा कि नगर परिषद को 50 स्वयं सहायता समूह बनाने का लक्ष्य मिला था। झुंझुनू नगर परिषद ने 64 स्वयं सहायता बनाकर राज्य में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। झुंझुनू नगर परिषद में स्वयं सहायता समूहों को आज हमने सहायता राशि के रूप में 10,000 रुपए के चेक और सर्टिफिकेट्स दिए हैं। आज महिलाएं काफ़ी आगे बढ़कर समाज में रचनात्मक योगदान दे रही हैं और यही नहीं, सिर्फ आर्थिक रूप से मजबूत करने में परिवारों को महिलाओं की काफ़ी महती भूमिका है। मैं झुंझुनू नगर परिषद को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, हमारे सभापति जी और हमारे विनयपाल जी को, कलेक्टर साहब को भी, कि यहाँ पे जो सुविधाएं इनको प्रोवाइड कराने के लिए जा रहे हैं, कि क्योंकि कई बार प्रोडक्ट बन जाता है स्वयं सहायता समूह, कुछ चीज़ें बना लेते हैं लेकिन उनको बेचें कहाँ, जाएं कहाँ, उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता है, उनके पास कोई बाजार नहीं होता है, बाजारों को तलाशने का काम अब लगभग यहाँ समाप्त होता जा रहा है। एक नवाचार के रूप में झुंझुनू नगर परिषद कुछ कियोस्क बनाकर और कुछ छोटे शॉप बनाकर इन बहनों को दे रही है, जहाँ पर ये अपना प्रोडक्ट बेच पाएंगी। मैं समझती हूँ ये शुरुआती तौर पर हमारी बहनों ने जो दिखाया है, पूरे राजस्थान भर में हमारे स्वयं सहायता समूह कुछ चीज़ों में प्रथम और कुछ में द्वितीय आए हैं, तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ की बहनें अपना हुनर दिखाते हुए काफ़ी काम करेंगी और अपने परिवारों को आर्थिक रूप से मजबूत कर पाएंगी। स्वयं सहायता समूह जो हमारे ज़िले के हैं वो मेरे ख्याल है राजस्थान के सबसे अच्छे स्वयं सहायता समूहों में से एक हैं, चाहे वो स्वयं सहायता समूह नगर परिषद के माध्यम से कार्य कर रहे हों, चाहे वो महिला अधिकारिता के माध्यम से या किसी अन्य मंच से। सबसे अच्छी बात जो झुंझुनू ज़िले के स्वयं सहायता समूहों की है,
वो ये है कि जो ऋण ये लेते हैं उसका रीपेमेंट भी बड़े टाइम से कर रहे हैं और उसके कारण से इनकी ऋण लेने की जो क्षमता है उसमें भी वृद्धि हो रही है। मैंने अन्य जिलों में भी काम किया है, अन्य जिलों में भी स्वयं सहायता समूहों का कार्य देखा है, लेकिन रीपेमेंट की जो बात जितनी अच्छी इस ज़िले के स्वयं सहायता समूहों में है वो अन्य जिलों में कम देखने को मिलती है। वहाँ के स्वयं सहायता समूह ऋण लेते हैं लेकिन वापस लौटा ना पाने के कारण से आगे डिफॉल्ट हो जाते हैं। यहाँ जो ऋण लेते हैं, कार्य करते हैं, अपनी इनकम को बढ़ाते हैं, वापस भी लौटाते हैं और ज़्यादा ऋण लेके और कार्य को आगे बढ़ाते हैं। तो इस दृष्टि से यहाँ के स्वयं सहायता समूह बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और निश्चित रूप से इनसे महिलाओं की जो आर्थिक क्षमता है उसमें वृद्धि होगी और उसके कारण से उनकी परिवार की आर्थिक क्षमता में वृद्धि होगी। हम लोगों ने तलाश की है नगर परिषद प्रशासन ने मिलके और ये प्रयास किया जा रहा है कि उस भूमि में इस प्रकार से दुकानों का बनाई जाए जो कि स्वयं सहायता समूहों को ही, जो महिला स्वयं सहायता समूह है उनको ही आवंटन केवल इसमें किया जाए। तो ये अभी एक पॉलिसी स्तर के ऊपर प्रयास चल रहा है और संभव है कि जल्दी इसकी घोषणा भी हो जाए। जनता के क्या है विचार? अब राजस्थान की हर खबर पर रखिए ध्यान। राजस्थान के हर क्षेत्र पर पहनी नजर। क्यों मचा है सियासत में घमासान? पूरे दिन राजस्थान के हर क्षेत्र पर पहनी नजर। राजस्थान हलचल में सिर्फ सत्यमेव न्यूज चैनल पर। विश्व विख्यात धर्मनगरी करणी धाम देशनोक में लगातार गहराते पेयजल संकट से आम तो आम अब खास भी त्रस्त होने लगे हैं। आमजन की शिकायतों को अनसुना करना तो जैसे जलदाय विभाग की आदत में शुमार हो चुका है। गर्मी के बढ़ते तापमान के साथ साथ देशनोक में पेयजल समस्या भी बढ़ती जा रही है। आज भाजपा पार्षद भगवान दान ने विभाग के खिलाफ मोर्चा खोला एवं विभाग के कनिष्ठ अभियंता सीएल दया को मौके पर बुलाकर इंदिरा कॉलोनी के कई इलाकों की जल संकट की गंभीरता से अवगत कराया। पार्षद भगवान दान ने विभाग के स्थानीय प्रशासन की प्रबंध प्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि देशनोक में 7 ट्यूबवेल व नहरी जल की सौगात के बावजूद जल संकट क्यों है। मौके पर पहुंचे कनिष्ठ अभियंता ने सभी समस्याओं को गंभीरता से लिया एवं उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन में तत्काल निवारण का आश्वासन दिया। पानी आवे कौन एक 2001 आज तक पानी कौन आया हमारे बिल आ रहा है। आपके कहने का मतलब 2001 से बिल तो आ रहा है लेकिन पानी नहीं आ रहा। मैंने कह कितनी बार लिख कर दे दिया, कोई सुने नहीं है। 17 साल से पैसे भर रहे हो लेकिन पानी नहीं आता। 18 साल हो गया, 18 चल रहा है, पानी नहीं आ रहा। रानीवाड़ा में पहले से लापता हुए बालक का आखिरकार पता चल गया। गांव का 12 वर्षीय बालक लापता हो गया था। गांव के माजी के मंदिर में इस बालक का शव मिला है। मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और पूरे गांव में गम का माहौल हो गया। रानीवाड़ा पुलिस ने पहुंचकर मौके का मुआयना किया और आगे की कार्यवाही के लिए गांव वालों को आश्वासन दिया। बालक का नाम पुष्पेंद्र सिंह पुत्र दलवीर सिंह बताया जा रहा है। बकानी भलता रोड स्थित कब्रिस्तान में 12 वफात को मनाते समय कब्रिस्तान में आग लग गई। आग की सूचना मिलने पर पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। आग लगने की सूचना मिलने पर भी एक घंटे तक पानी का टैंकर या फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची तो मौके पर मौजूद हेड कांस्टेबल लटूर लाल मीणा, कांस्टेबल लाजपत रघुनाथ सिंह और मुस्लिम समुदाय के यूसुफ खान, जावेद अली व अन्य लोगों के द्वारा कड़ी मशक्कत करने के बाद आग पर काबू पाने के बाद भी पानी का टैंकर या फायर ब्रिगेड मौके पर नहीं पहुंचा। उन्नैर थाना परिसर में मंगलवार को सड़क सुरक्षा सप्ताह समापन पर थाना परिसर में समारोह आयोजित कर दो पहिया वाहन चालकों को नागेश्वर तीर्थ पेड़ी की ओर से निशुल्क हेलमेट का वितरण किया गया। इस अवसर पर गंगधार SDM चंदन दुबे, DSP भर सिंह शेखावत, नागेश्वर तीर्थ के पेड़ी के सह सचिव धर्मचंद जैन, थाना अधिकारी मुरलीधर नागर, SI सुर सिंह आंजना ने दो पहिया वाहन चालकों को हेलमेट निःशुल्क पहना कर यातायात नियमों की जानकारी दी।
डीएसपी शेखावत ने दो पहिया वाहन चालकों के साथ आई महिलाओं से पति को हेलमेट पहनाया व यातायात नियमों की जानकारी देते हुए बताया कि वाहन चलाते समय हेलमेट पहनकर ही घर से निकलना चाहिए और वाहन के कागज आरसी ड्राइविंग लाइसेंस हमेशा साथ रखने चाहिए। हेलमेट पहनने से दुर्घटना होने से बचा जा सकता है। कैसा है मेरा विधायक, क्या क्या विकास कार्य हुए, यानी अपने विधायक की कहानी उन्हीं की जुबान। मिलिए अपने विधायक से, जानिए उनके कार्य क्षेत्र की उन्नति की कहानी। हमारे नए कार्यक्रम जिसका नाम है मेरा विधायक। हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं अपने विधायक से। अपने विधायक से जुड़ने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं दिए गए इन नंबरों पर। पिड़ावा क्षेत्र के बोलियाबारी गांव में सोमवार को पति ने अपनी पत्नी को मारकर घर के चौक में गाड़ दिया। घटना का पता मंगलवार को पुत्र को लगा। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। सीआई राम भरोसे मीणा ने बताया कि मृतका दुर्गा बाई आयु 45 वर्ष, पत्नी सुरेश सिंह राजपूत के पुत्र राहुल सिंह आयु 20 वर्ष ने रिपोर्ट में बताया कि मेरी माता दुर्गा बाई पिता सुरेश सिंह आए दिन घरेलू झगड़ा करते रहते थे। मेरे पिता सुरेश मारपीट करते रहते थे। सोमवार को भी उन्होंने मारपीट की थी। मंगलवार को पिड़ावा क्षेत्र के गांव बोलियाबारी के घर के अंदर चौक में पुलिस ने विवाहिता का शव गड्ढा खोदकर बरामद किया। सोमवार को जब वह घर आया तो उसने अपने पिता सुरेश सिंह से अपनी माता दुर्गा बाई के बारे में पूछा तो सुरेश सिंह ने बताया कि उसकी माँ मामा के घर गई हुई है। वहीं मंगलवार को जब राहुल घर के बाहर नहाने गया तो उसे चौक में लगी पट्टियों में कुछ गड़बड़ नजर आई। उसने पट्टियों को हटाकर देखा तो वहां थोड़ी मिट्टी को हटाया तो अपनी माँ का लुगड़ा व पैर दिखाई दिया। राहुल ने तुरंत सूचना पुलिस को दी जिस पर सुनील एसएचओ महेश सिंह व सीआई राम भरोसी मीणा मय जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंचकर यह फावड़े से गड्ढे को खुदवा कर देखा तो उसमें महिला का शव गड़ा हुआ मिला। महिला का शव निकाल कर पोस्टमार्टम के लिए सीएचसी में भिजवाया गया जहां पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कर मेडिकल बोर्ड से करवा कर शव मृतका की माँ अनूप बाई लहसुड़िया मंदसौर और पुत्र राहुल को रात को सौंपा। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है और आरोपी सुरेश सिंह की तलाश के लिए टीम गठित कर मध्य प्रदेश भेज दी है। बयाना के गांव नगला होता निवासी एक मेक श्रमिक की सिलिकोसिस बीमारी के चलते मंगलवार को मौत हो गई जिसका पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा है। हेड कांस्टेबल सोरन सिंह के अनुसार नगला होता निवासी ब्रजलाल पुत्र किशनलाल जाटव 58 साल की सिलिकोसिस बीमारी से मौत हो गई जिसका बयाना के सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। इस गाँव में पहले भी 3-4 लोगों की मौत हो चुकी है। मंगलवार को नोखा नगर पालिका में आरटीआई कार्यकर्ता व सहयोगी की एक टीम ने नोखा नगर पालिका पहुँच कर नगर पालिका अधिशासी को 200 सूचनाओं का मांग पत्र सूचना अधिकार के तहत अधिशासी अधिकारी को सौंपा। आरटीआई कार्यकर्ताओं ने टीम ने अंबेडकर सर्कल तहसील रोड से भारत माता के जयकारों के साथ हाथ में तिरंगा लेकर नगर पालिका पहुँचे। करीब 35 सदस्य नोखा नगर पालिका तिरंगे के साथ पहुँचे। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी ने तुरंत सूचना उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्यमेव न्यूज़।